हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा चैनल हमारा गोल्ड गुरुकुल है। ये दोनों चैनल आपके अपने चैनल हैं और आज का जो टॉपिक है गुड इंटेंशन वर्सेस बैड इंटेंशन, मतलब अच्छी नीयत क्या है और बुरी नीयत क्या है, इसका क्या फर्क पड़ता है, उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। हम 2005 में हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए हरियाणा से बंदे आए और उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, जबकि हमारा मन नहीं था कि उनके साथ हम पार्टनरशिप करें। पता नहीं, मैं अपने आप को बार बार कहता हूँ, आपके सामने कन्फेस करता हूँ कि मैं इमोशनल आदमी हूँ, बहुत बार बातों में आके गलत फैसले कर लेता हूँ। तो वो जो बंदे आए तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे काम करना है, तो ठीक है, कर लिया। जब तक ठीक चलता रहा तो ठीक है, पैसे कमाते रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जब थोड़ा सा हमारा कॉलोनियों का काम रुका तो वहाँ पेमेंटें रुकनी शुरू हुई, तो वो बंदे एकदम छलांग लगा के दूसरी तरफ चले गए प्रॉपर्टी में। थोड़ा सा लेट हो गई पेमेंट, लेट हुई और हुई। जब देनदारी आई, देनदारी के समय पर वो बंदे भागकर दूसरी तरफ भाग गए और ऊपर से वो कहने लगे, मैं अपने दोस्तों को उनके पास भेजा कि यार अपना ऐसे ऐसे है, ये सिस्टम सेटअप हुआ है, इतने की हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी है, इतनी हमारी देनदारी है, आके बैठ के निपटा लो। उनका एक ही बात जो अच्छी नहीं लगी, वो कहते जी, मेरा नाम लेके कहा कि वो आदमी ने जिसके पैसे देने हैं वो सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है कि भाई मैंने पैसे देने हैं, दे दूंगा, और हम जूते से पैसे देते हैं या देते नहीं हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी बात थी ये, बात बड़ी बात कभी नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं भी बड़ी बात करते करने से पहले ऊपर वाले से डरना चाहिए, कुदरत से डरना चाहिए, पता नहीं क्या कब कहाँ जाके आपको खड़ा कर देना। तो वो अभी हम खड़े हैं मार्केट में, जो भी हेट ऊपर हुआ था सारा कुछ ठीक हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। वो बंदा 7 साल से ज़्यादा हो गए अंडरग्राउंड चल रहा है। गुड इंटेंशन वर्सेस बैड इंटेंशन, ये इसीलिए मैंने कहा है कि गुड इंटेंशन क्या है, कि आपकी नीयत अच्छी हो तो आपके काम दोबारे बनने शुरू हो जाते हैं। सामने वाले बंदे के आपने पैसे देने हैं, किसी बंदे के आपने पैसे देने हैं, यदि उसको ये पता लग जाए कि इसकी नीयत में खोट है, तो वो बंदा आपके ऊपर हर तरीके का शिकंजा कसने की कोशिश करता है। लेकिन यदि उसको यह पता लग जाए कि बंदा पैसे देना चाहता है और इसके पास अभी नहीं है, तो वो बंदा अपना जो बिहेवियर है वो नॉर्मल रखता है, उसके साथ मोटिवेट जरूर करता है, फ़ोन भी करता है और भी कई बातें करता है, उसको हो सकता है कोई थोड़ा बहुत प्रेशराइज भी करता हो, लेकिन उसकी इंटेंशन ये नहीं रहती कि उस बंदे को, सामने वाले बंदे को मार दिया जाए। जब उसको ये पता लग जाए कि ये पैसे देने वाला ही नहीं है, तो वो सामने वाला बंदा दूसरे बंदे को इतना ज़्यादा टाइट कर देता है, इतना प्रेशराइज कर देता है कि उस आदमी को कई बार डिप्रेशन हो जाता है और कई बार सुसाइड तक चला जाता है। तो हमारे बंदे ने भी ये करा कि जिसके पैसे देने हैं, देने की ज़रूरत ही नहीं, जूते मारो उनके। भाई जो मेरे साथी थे, मेरे साथ के बंदे थे, जो मेरी सोच के मुताबिक चल रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, पेमेंट लेट हुई है तो कोई बात नहीं, होने दो, हमने जो पैसे आपसे लिए हैं आपके पैसे दिए जाएंगे, जो मर्जी हो। तो मैं अपना घर बेच के भी लोगों के पैसे दिए और लोगों के पैसे देने के बाद आज मार्केट में खड़ा हूँ। लेकिन जो आदमी ये अपनी इंटेंशन ऐसी रख के बैठा था कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, वो आदमी अंडरग्राउंड हुए 7 साल हो गए। सो ये इन बातों का ध्यान रखना है। ऊंचा बोल ना बोलिए, करतारों डरिए, एक पंजाबी की कहावत है या ये धार्मिक वो है कि कभी भी ऊंची बात नहीं करनी चाहिए कि आपको वापस वो शब्द आपको खाने पड़े। कोई बात कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए भी इस बात का असर क्या रहेगा, इस बात का एडवर्स इफेक्टिव इफेक्ट है जो वो क्या रहेगा, और दूसरा जो अच्छा इफेक्ट है वो क्या रहेगा। सो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। किसी के साथ यदि आप में भी कोई किसी का देन लेन खराब हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं,
आप अपनी नीयत साफ रखें और जिस बंदे का आपने पैसा देना है उसको ये क्लियर करवा दो कि भाई हमने पैसे आपके देने हैं, हम कहीं नहीं भाग रहे, बिल्कुल आपका पैसा देंगे, 100% देंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है ये आपको भी पता है। और यदि आपको वाकई में प्रॉब्लम हो, सामने वाले बंदे को पता लग जाए कि ये बंदा प्रॉब्लम में है, वो बंदा अपना एटीट्यूड ठीक कर लेता है। सो दोस्तों, आपने इन बातों का ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही है। ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, उस पर चर्चा कर लेना। फिर कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, और आप इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। यदि आप इस वीडियो का टॉपिक को अपने दिमाग में बिठा लोगे तो 100% आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच सकते हो, आपको डिप्रेशन होने से बच सकते हो आप, और आप सुसाइड करने से बच सकते हो। तो सिंपल मैसेज इतना ही है कि जिसके देने हैं हाथ बांध के देने हैं, और जिससे लेने हैं उससे प्यार से निकलवाने हैं, उससे लड़ना नहीं है, उसको ऐसा प्रेशराइज नहीं करना कि उसके साथ आपकी लड़ाई हो जाए। और कई बंदे तो ये चाहते हैं जिनों से पैसे लेने होते हैं कि ये बंदा मेरे साथ लड़ पड़े और लड़ने के बाद कोर्ट में चला जाए या पुलिस में चला जाए तो मेरे को टाइम मिल जाए, तो ये काम भी नहीं करना। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं, अपने आप को ग्रो करते जाएं। हम ग्रो होंगे, हम बड़े बनेंगे, हम पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द आपके सामने होऊंगा। राजवंश सिंह मौली, थैंक यू वेरी मच।